मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वालों की जब सुबह होती है तो उनको सबसे बड़ा डर यही लगा रहता है कि आज तो मेरी झोपड़पट्टी नहीं तोड़ी जाएगी, फिर से तो हमें बेघर नहीं होना पड़ेगा। और 4 मई को यही हुआ, मुंबई के महाराष्ट्र नगर की झोपड़पट्टी बीएमसी के द्वारा तोड़ी गई। क्या आपको बोलना है, बोलिए। अरे यहाँ की मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, साथ एक पेटिक भी नहीं मिली है, कुछ भी बर्तन वर्तन तो मिला ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक पेटिक सबसे ज्यादा फिक्र है। मैं यहाँ मीटिंग में अपनी झोपड़ा के लिए, जगह के लिए आई हूँ। मेरी लड़की कैंप में भर्ती है, मैं उधर थी, कैंप में यहाँ झोपड़ा तोड़ दिया, मेरा पूरा सामान चला गया। बुलडोजर से हमारा घर तोड़ा गया और हमें सामान निकालने के लिए भी जगह टाइम नहीं मिला। निकालने के लिए हम लोग ने जबरदस्ती किया तो हमको पुलिस वाले आके मारने के लिए साइड हटा रहे थे, नहीं तो बोलते मारेंगे। झोपड़े में आके देखो, 1 घंटा दूर में रह के देखो हमारे साथ, हम तब मालूम पड़ेगा हमारा तकलीफ क्या है बोलकर। तो मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कलेक्टर के पास गए थे, तो कलेक्टर ने आपको क्या बोला? एक्चुअली कलेक्टर को हमने 2 दिन पहले ही हमारा पत्र दिया था, पर वो कलेक्टर यहाँ पे रुके नहीं, वो सीधा मंत्रालय चले गए हैं। उनके जो सब कलेक्टर है वो यहाँ पे हमें मिले हैं और उन्होंने हमारा पत्र स्वीकार किया है, पर उनका ये कहना है कि अगर 95 का पुरावा है तो हम उनको पुनर्वसित करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। हमारा कहना यही है कि जो 21वां कलम है संविधान में, उसके तहत हर एक इंसान को घर मिलने का अधिकार है जो सरकार ने देना चाहिए, पर हम इसके आगे और भी आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हम जो जिला अधिकारी है उसके पास भी जाके इसका फॉलोअप करने वाले हैं, यहाँ पे हम रुकने नहीं वाले हैं। नहीं किसी से भी मांगते। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराने का काम सरकार का है। सरकार का मानना है कि जिनके घर 1995 के पहले के हैं, उनके घरों को ही सरकार मान्यता देती है। मेरा मानना है कि सरकार ने 1995 के बाद वालों को भी मान्यता देनी चाहिए। मैं अमोल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।